नमस्कार मित्रांनो, मी राजेश माने, यूट्यूबच्या बातमी.in या न्यूज चॅनलवर आपल्या सर्वांचे स्वागत। मित्रांनो, आता आपण आहोत पुणा स्टेशन या ठिकाणी। पुणा स्टेशनवरनं परप्रांतीयांसाठीच्या ज्या गाड्या सोडलेल्या आहेत, या गाड्यांमधनं जे भारत आपल्या पुण्यामध्ये जी लोक गेल्या अनेक वर्ष काम करत होती आणि ते आता आपापल्या गावी चाललेली आहेत, या सर्वांसाठी मनीष आनंद हेल्पलाईन यांच्या वतीने साधारणतः 6,000 पाण्याच्या बाटल्या, बिसलरी पाण्याच्या बाटल्या या ठिकाणी त्यांच्यासाठी देण्यात येत आहेत। त्याचप्रमाणे मुकुल माधव फाउंडेशन यांच्या वतीने बिस्किटं आणि फरसाण देण्यात येत आहे। आपण माझ्या मागे बघता या ठिकाणी गाड्यांमधनं जे मटेरियल आहे, पाणी आणि फरसाण बिस्किट, हे सगळं या ठिकाणी उतरवण्यात येत आहे। आत्ता आपण पुणा स्टेशनवरनं हे सर्व दृश्य लाईव्ह बघत आहोत। नमस्कार, मैं खड़की कैंटोनमेंट बोर्ड की नगर सेविका पूजा आनंद हूँ। आज सुबह जब संगीता दाई तिवारी, जो कि महाराष्ट्र उत्तर भारतीयों के जो माइग्रेंट्स हैं, उनको ट्रैवल करने में बहुत हेल्प कर रही हैं, उनकी जो जो चीज़ें जो उनकी ज़रूरत के हैं उनको उन तक पहुंचाने के लिए मदद कर रही हैं, जब उनका फ़ोन आया तो हम लोग एक छोटी सी कोशिश करने के लिए तत्पर तैयार हो गए। आज मनीष आनंद हेल्पलाइन की तरफ से हमने माइग्रेंट्स के लिए पानी पहुंचाए हैं और मुझे लगता है कि ये लोग हमारे लिए हमेशा हैं और हर चीज़ में आज तक हमारे जो भी इंडस्ट्रीज हो या फिर कोई घर में काम कर रहा हो, हर चीज़ में ये हमारे लिए काम किए हैं, तो क्यों ना हम अपना हाथ बढ़ाएं ताकि इनकी मदद कर सकें। जब मैंने मुकुल माधव फाउंडेशन की जो डायरेक्टर हैं ऋतु प्रकाश छाबरिया मैम, उनको फ़ोन किया तो वो भी तुरंत तैयार हो गई और उन्होंने अपने तरफ से 5,000 बिस्किट के पैकेट्स प्लस फरसान भी इन लोगों के लिए भेजा है। आशा है कि जैसे हमने आज छोटी सी कोशिश की है, वैसे ही आप सब अपना अपना हाथ बढ़ाएंगे। धन्यवाद। नमस्कार, मैं संगीता तिवारी, महाराष्ट्र उत्तर भारतीय एकता मंच की अध्यक्ष हूँ और पुणे शहर कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी। आज यहाँ पे जो पानी वगैरह जो हमारे उत्तर भारतीय लोगों को दिया है, वो खड़की कैंटोनमेंट बोर्ड के उपाध्यक्ष माननीय मनीष आनंद और पूजा आनंद, ये दोनों ने दिया है। इन लोगों ने जितना आज बिस्किट्स, पानी, केला जो भी हमारे लिए दिया है, वो हमारे लिए बहुत बड़ी मदद है, क्योंकि आज करीबन 7 से 8 गाड़ियां जा रही है और हर एक गाड़ी में 1500 से 1700 लोग हैं।
पर कैसा होता है, गर्मी का टाइम है, एक पानी की बोतल से होता नहीं है। रेलवे पानी देती है पर उसमें उतना काफी नहीं है। पर ये दोनों ने मेरे एक रिक्वेस्ट पे इमीडिएट एक ट्रक भर के करीबन 6 से 7 हजार पानी की बॉटल्स भेजी। मैं उनका हार्दिक हार्दिक उत्तर भारतीयों की तरफ से धन्यवाद करती हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत।